Akash in 9th standard. So I joined early, I gave Anthe in 8th standard. Pretty much a game-changing moment for me. Now I'm competing all across India. Welcome back, guys, in fact. Hey, Sonakshi, Nazrana, Anshi, Indu, Laksh. Hey, Nalini, good evening. Hey, Deepit. Good evening, all of you. I can see some interesting emojis in the chat. Hey, Anju, Shazeen, Suchismita, Lena, Ranjit. Rizwana, hey, I can see. Okay, Suhana, noted. Kuch new names bhi hai chat mein. So, very, very warm welcome, guys. Jitne bhi bachche pehle, jo new hai, jo first time session attend kar rahe hai, pehle to fatafat se, hit the subscribe button for that. Good evening. Hey, Deepit. Awesome, all of you. So, yaar, aaj हम सेकंड सेशन पे आ चुके हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चेंजेस के बारे में पढ़ना एंड तुम लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस लिखे थे चैट में. अभी भी आई होप यू रिमेंबर व्हाट द चेंजेस. लास्ट सेशन से इस सेशन तक चेंज हो गया सब्जेक्ट, तो ऐसे हमें पता कि चेंज होता क्या है, राइट? थैंक यू पूजा. बिल्कुल. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट रस्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन एंड यू विल टेल मी ये जो रस्टिंग है ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है. लास्ट क्लास में बताया था फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है. फटाफट से बताओ, देन वील गेट स्टार्टेड. Let's see. Oh, everybody's saying, hey Aisha, everybody's saying, ma'am. ऐसा है कि ये जो आपने encircle करा है ना rusting, ये है एक chemical change. CC लिख दे, short में, chemical change. बिल्कुल सही, you people are absolutely right. Chemical change. अच्छा, एक और question दिया था. I asked you about blue vitriol. क्या होता है? देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर किया है. द फर्स्ट वन टू से इज प्रीति सिंह. यस, वेरी गुड. हाय मधुलता. यस बिलवा, सीसी कर दिया. कॉपर सल्फेट, करेक्ट. वेरी गुड. तो मतलब होमवर्क करते हो तुम लोग. Awesome. चलो एक बार फटाफट से, I want all of you to hit the like button. If you'll hit the like button, I'll be like this. Quickly. जल्दी से hit the like button and then we get started. I can see so many of you here. करना क्या है आपको पता है, you have to hit the like button. And I can see Piyush is saying कि ma'am already done. आप जब तक लिखते हो उससे पहले हम लाइक कर चुके होते हैं सेशन को. सो स्वीट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, एवरीवन हू इज जस्ट हिटिंग द लाइक बटन राइट नाउ, थैंक यू सो मच गाइस. बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं आपको बोलती हूँ कि लाइक कर दो एंड उसी वक्त ही बहुत सारे लाइक्स आ जाते हैं. ऑसम, बहुत बढ़िया. तो यार आज ये चैप्टर हम खत्म करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि देखो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर जो था ना वो कहीं ना कहीं सबको समझ आ जाता है, बट जो सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर है जिसपे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो हमें कई बार कन्फ्यूज कर देता है. बट नॉट अ प्रॉब्लम, एज वी कीप सेइंग वी हैव गॉट यू कवर्ड, वी आर हियर फॉर यू, बट यू ऑल्सो हैव टू बी हियर, देन ओनली तभी तो फिर फायदा होगा. यस, चलो. बाय द वे, ये रोज रिमाइंड करा रहे हैं हम आपको एंथे के बारे में, तो फटाफट से ग्रेड 7 स्टूडेंट्स आपसे ही स्टार्ट है.
पहला ग्रेड आपका है, तो पहला स्टेप तो ले लो यार, फटाफट से रजिस्टर योरसेल्फ। लास्ट डेट देखो बहुत पास है, लास्ट डेट बहुत पास है, मतलब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं ना। तो अगर एग्जाम मिस कर दिया आपने तो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, नहीं चाहते ना ये? क्या चाहते हो कि डिजायरेबल चेंज हो जाए? तो करना क्या है उसके लिए, रजिस्टर करना है अंते के लिए, फटाफट से रजिस्टर करो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू कैन सी द ऑनलाइन ऑफलाइन डेट्स। हे जो बच्चे न्यू है, बाय द वे दिस इज द रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली फॉर फ्री, एंड ये एग्जाम देने के बाद आप रियलाइज करोगे कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड एट एन ऑल इंडिया लेवल। हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं हमें पता चलेगा, क्या पता इन द प्रोसेस हमें कैश रिवॉर्ड्स मिल जाए, क्या पता इन द प्रोसेस हमें नासा जाने को मिल जाए, क्या पता स्कॉलरशिप मिल जाए, क्या पता क्या क्या हो सकता है। बट फर्स्ट स्टेप आपके हाथ में है, सो क्विकली क्विकली रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस। एंड ऑफकोर्स थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू यार, जो यहाँ पे आते हो, सेशन अटेंड करते हो, बिग बिग थैंक यू यार। तुम लोग के आने से ना हम लोग की एनर्जी बढ़ जाती है। बट पता है हम लोग तुमको हर क्लास के बाद एक होमवर्क देते हैं ना, तो अभी भी हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क है कि यार ये जो 50K देख रहे हो ना, ये रीच करना है फटाफट से। तो जो बच्चे अभी आए हैं वो तो अभी अपनी ड्यूटी पूरी कर दो फटाफट से। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे, क्योंकि देखो जिस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम एज अ फैमिली वी आर एक्चुअली यू नो वर्किंग हार्ड टुगेदर, तो वो यहीं पर ही होगा। एंड यू नो दैट द वंस हु आर कमिंग रेगुलरली दे वुड डेफिनेटली अग्री टू व्हाटएवर आई एम सेइंग, है ना। तो फटाफट से लेट्स हिट दिस 50K। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट राइट अवे। अगर अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है, डू इट राइट अवे। यस साइद, यू आर अ न्यू स्टूडेंट हियर, सो यार यू नो व्हाट टू डू, डन ऑलरेडी, नाइस। हे रौनक, हे सुचिस्मिता, ट्रेंडी कॉर्नर, ट्रेंडी कॉर्नर यू नॉट न्यू। बहुत बच्चे ना यहाँ पे प्रैंक भी करते हैं, बहुत बच्चे प्रैंकर होते हैं, मैम आई एम न्यू, सबसे ओल्डेस्ट होते हैं चैनल पे, बट फुल मस्ती करते हैं। ओके ओके ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू माही, मीन्स अ लॉट। थैंक यू प्रीति सिंह, सो स्वीट ऑफ यू बच्चा। लक्ष्य, बिल्कुल सौरभ सर, आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे यार मोशन। मधुलता, साउंड चल रहा है, सौरभ सर की क्लासेस अटेंड करो। मयंक इज मिसिंग, अच्छा तो अभी ये पेन सेफ है। ऑलराइट, चलो एक बार फटाफट से लास्ट क्लास में हमने जो किया वो रिवाइज करेंगे, एंड देन इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम रस्टिंग की बात करेंगे और हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे। दो बहुत अच्छे टर्म्स, न्यू टर्म्स, इनको हम अच्छे से समझेंगे। बट लास्ट क्लास में हमने पहले क्या किया था, हमने किया था फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो होते क्या है, एनी चेंज जिसमें क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है सब्सटेंस की। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है मतलब यार स्टेट चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, ये सब क्या, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे यहाँ पे देखो चॉकलेट मेल्ट कर रही है, बट कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है, तो वो चॉकलेट ही। यहाँ पे पेपर कट हो रहा है, तो शेप बदली जा रही है पेपर की, बट इट्स स्टिल पेपर। यहाँ पे रबर बैंड का साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, शेप भी हो सकता है साइमल्टेनियसली चेंज हो रही हो, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। किसी और एग्जाम्पल में आप देखोगे शायद कलर चेंज हो रहा होगा, बट नॉनदलेस एक चीज कॉमन है सब में कि सब्सटेंस वही है, वही सब्सटेंस बना हुआ है। यस करेक्ट लक्ष्य, न्यूएस्ट, अच्छा मयंक इज बैक। मयंक बच्चे तुम्हें शाउट आउट दे रहे थे खुद चैट में। यस 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 यस, जब हम ब्लू विट्रियल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट माही। देखो अभी इस लेवल पे आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पता नहीं है, इसलिए कॉपर सल्फेट लिखा, इतना याद करो धीरे धीरे और समझोगे। हे सारा, मैम कैन आई गेट दिस चॉकलेट, यार अगर पॉसिबल होता तो पहले मैं ही ले लेती, नहीं पॉसिबल ना,
दिस इज एन इम्पॉसिबल चेंज. हे आयशा, ऑल राइट, सी तो हमें याद है फिजिकल चेंज क्या था, बहुत बढ़िया. अब देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है. हम जब बात करते हैं केमिकल चेंज की तो हमें एक चीज याद रखनी है कि न्यू सब्सटेंस बनेगा यार, कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा. ध्यान से देखो, सब में इनिशियल सब्सटेंस अलग है और केमिकल चेंज होने के बाद फाइनल सब्सटेंस अलग है, मतलब कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है. एंड क्योंकि यहां तक सबको सब कुछ बहुत अच्छे से आता था, जरा मुझे बताओगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये यार फिजिकल चेंज है या फिर ये केमिकल चेंज है, कैसा चेंज है ये यार? बहुत बच्चे सुनो कह रहे कि केमिकल, साइकत कह रहे केमिकल, बट बहुत बच्चे कह रहे कि मैम बोथ हैं, ये फिजिकल भी है केमिकल भी है. जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, जब वैक्स मेल्ट हो रही है दैट्स अ फिजिकल चेंज, क्योंकि वैक्स को हम वापस से सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं. बट मेल्ट होना तो चलो फिजिकल चेंज हो गया, बट जो बर्न हो रही है वैक्स, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, ये सब वापस थोड़ी आ सकते हैं. न्यू सब्सटेंसेस आर गेटिंग क्रिएटेड, दैट मेक्स इट अ केमिकल चेंज. यस डेफिनेटली, आई कैन सी दैट मेनी ऑफ यू रिमेंबर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, वेरी गुड. तो यार अपने लिए सेशन, मतलब हिट द लाइक बटन फॉर योरसेल्फ ओनली, मैंने कर दिया यहाँ से आप लोग के लिए, अब आप वहां से कर दो अपने लिए और मेरे लिए और केमिस्ट्री के लिए. चलो ऑल राइट, यहां तक तो सॉर्टेड है. अब आई वॉन्ट यू टू सी एन आयरन आर्टिकल, कुछ नया देखते हैं. ये जो आयरन आर्टिकल हम लेकर आए हैं, जो आपने बोला कि केमिकल चेंज है, यू ओनली टोल्ड मी स्टार्टिंग में बता दिया कि मैम ये केमिकल चेंज है. अब इसमें हो क्या रहा है, ये एक आयरन आर्टिकल अपने पास था, बट यार ये तो डिस्ट्रॉय हो गया. आपको लग रहा है कि इस आयरन आर्टिकल पे कुछ रेडिश ब्राउन कुछ डिपॉजिट्स आ रहे हैं, हाँ या ना? यस प्रेक्षा, करेक्ट, लग रहा है डिस्ट्रॉय हो गया. यस बिल्कुल हो गया यार. तो क्या है ये सब्सटेंस जो इसमें फॉर्म हो रहा है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज रस्टिंग, मतलब टॉपिक लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन. मैम आप बोल रहे हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, पहले हमें ये तो बता दो कि रस्टिंग होता क्या है. तो बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रस्टिंग. एनीबॉडी फ्रॉम द चैट जिसको लगता है कि यार ये जो है ना इसे हम रस्टिंग कहते हैं, बिकॉज आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस यू नो इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, कहीं ना कहीं सुना होगा यार आयरन आर्टिकल रस्ट कर गया. मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन आयरन मेक्स आयरन रस्ट, ब्राउनिश सब्सटेंस, करोडिंग, करोजन. बिल्कुल सही यार, तुम लोग बिल्कुल सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो और सुपर डुपर करेक्ट हो और तुम्हारे कॉमेंट सुपर डुपर इंटरेस्टिंग है. चलो जब हम बात करते हैं रस्टिंग की तो होता क्या यार, एक्चुअली अगर किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हम ओपन में छोड़ दें जहाँ पे एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, तो मतलब डैम्प एयर है, मतलब उस एयर में मॉइस्चर भी है, तो होगा क्या कुछ टाइम बाद रेडिश ब्राउन सब्सटेंस उस पर आ जाएगा जिसे हम कहते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो यार एयर और मॉइस्चर, ये दो कंडीशंस बोली गई है जो नेसेसरी है, ठीक है. अब एक बात बताओ मुझे, अगर एयर किसी तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाए, क्या रस्टिंग होगा? अ क्विक यस और अ नो इन द चैट बॉक्स. मतलब मैं कह रही हूं कि यार मैंने अपने अंदर का साइंटिस्ट जगा के किसी तरीके से ऑक्सीजन जो था वहां से कट कर दिया, क्या मैं इस प्यारे से आयरन नेल को बचा सकती हूँ फिर रस्टिंग से, कि नहीं ये तब भी रस्ट कर जाएगा? विल रस्टिंग टेक प्लेस? नो, इट विल नॉट टेक प्लेस. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है. व्हाट इफ ऑक्सीजन तो है बट किसी तरीके से मैंने पूरा मॉइस्चर हटा दिया वहां से, तब रस्टिंग हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा. मतलब टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग आपके सामने है, एयर और मॉइस्चर दोनों चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट दिस इक्वेशन. देखो आपको सिंबल्स बता रहे हैं साथ में ताकि धीरे धीरे आप लर्न करते रहो. आयरन जिसको हम Fe लिखते हैं, F कैपिटल E स्मॉल,
का रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ, मतलब O2 के साथ, बन गया साथ में क्या, किससे कंबाइन करा, वाटर से कंबाइन करा, मतलब H2O. एंड व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर इज बीइंग फॉर्मड आयरन ऑक्साइड विच इज Fe2O3. नाउ दिस इज बीइंग फॉर्म, दिस कंपाउंड दैट यू सी ओवर हियर, दिस इज रस्ट. नाउ द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O. एक्चुअल फॉर्मूला में डॉट XH2O भी आता है, बट आपकी बुक में Fe2O3 गिवन है. अगर आप उतना भी लिखोगे यू विल गेट मार्क्स, इवन इफ यू विल जस्ट राइट Fe2O3 यू विल गेट मार्क्स, बट यू नीड टू नो द एक्यूरेट आंसर. एंड हियर एट बायजूस वी मेक श्योर कि आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे. तो एक्चुअली में रस्ट क्या होता है, इट्स Fe2O3.XH2O. आपकी बुक में नहीं गिवन है, बट आई थिंक जब आप स्कूल में जाओगे, जब आप क्लास में बैठे होगे एंड सम टीचर वुड आस्क यू कि यार रस्ट का क्या फॉर्मूला है, सब बच्चे बोलेंगे Fe2O3, बट तुम लोग बोलोगे वो तो ठीक है पर डॉट XH2O भी आता है. डॉट XH2O का मतलब कि हमें नहीं पता कि मॉइस्चर कितना है, बट है, इट इज प्रेजेंट. ठीक है दीपित, वी हैव डन इट इन द लास्ट क्लास. माही, वाटर वेपर होता है ना एयर में, यस करेक्ट, ऑसम. अच्छा चलो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. एवरीथिंग दैट यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन. ठीक है, डन डील. नाउ आई एम आस्किंग यू इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो ये जो रस्टिंग का रेट है, ये जो रस्ट प्रोसेस का, रस्टिंग का जो रेट है, ये बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बताओ. मतलब विल इट बी फास्टर, विल इट बी स्लोअर इफ ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजिंग. एंड द फर्स्ट वन टू आंसर द क्वेश्चन इज दीपा, मयंक, देन आई कैन सी सुचिस्मिता, आंशी, दीपित, नीलाक्षी, प्रेक्षा, प्रीति, आयशा, रौनक. ओ गॉड, सो मेनी ऑफ यू, यू लाइक कि मैम वी हैव सीन दिस, वी हैव एक्सपीरियंस दिस इन रियल लाइफ. ओवर टाइम जब हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ह्यूमिडिटी क्या है, इट्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. अगर वो बढ़ गया तो अगर एयर का जो मॉइस्चर कॉन्टेंट है बढ़ रहा है तो रस्टिंग फास्टर हो जाएगा, रस्टिंग का स्पीड भी तेज हो जाएगा. यस करेक्ट, यू वर द फर्स्ट आकांक्षा, आई एम सो सॉरी बच्चा. देखो होता क्या है ना कि मैं ऐसे यहां से यहां टर्न करती हूँ, मुझे जो सबसे पहला नाम लिखता है मैं वो बोल देती हूँ, मगर अगर आपने उससे भी पहले आंसर किया हुआ है सो वेरी गुड, यू पीपल नो द बेस्ट, क्योंकि तुम लोग चैट में लिख रहे हो. सो हैट्स ऑफ टू एवरीबडी जो इतनी फटाफट से इतने सही आंसर्स लिख रहे हैं यार. मैम वी आर प्रो, यस सुचिस्मिता, यू पीपल डेफिनेटली आर गुड, ऑल ऑफ यू. अच्छा बाय द वे यार, क्या लगता है ये जो प्रोसेस है ये अच्छा है कि बुरा है, मतलब आपके हिसाब से ये जो रस्टिंग हो रही है, जो अपने कंट्रोल में ज्यादा कुछ खास है नहीं, इज दिस लाइक समथिंग गुड और नॉट गुड? बैड 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 बैड, एवरीबडी सेइंग बैड 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 एंड यू पीपल आर करेक्ट 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 करेक्ट. बिल्कुल सही यार, आयरन कितनी सारी चीजें बनाने में काम आता है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स टू शिप्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर, कार बॉडीज है आपकी, ट्रक है, सो मेनी थिंग्स आर मेड ऑफ यू नो आयरन, आयरन आर्टिकल्स है सारे. तो कितना ज्यादा मॉनेटरी लॉस हो जाएगा यार अगर सब रस्ट कर गया, जो कर रहा है बाय द वे, ऑफ कोर्स ओवर टाइम रस्टिंग हो ही रहा है. तो डोंट यू थिंक कोई वे होना चाहिए यार, देयर हैज टू बी सम वे जिससे हम ये प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकें. अगर आपके साइंटिफिक दिमाग में कोई बढ़िया सा आइडिया तो एक बार मुझे चैट में लिखकर बताओ कि मैम ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं, इससे हम आयरन को सेव कर सकते हैं. वेरी गुड लक्ष्य सिंह, मैम ग्रीस, प्रेक्षा सिंह पेंट कर दो, बालाजी इज ऑल्सो सिंह पेंटिंग, थैंक यू सारा बच्चा, अंशु एंड आयुष, वेरी गुड गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग,
पेन 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 आई थिंक यू ऑल आर अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगा दिया आपने कि मैम ऑयलिंग वॉइलिंग तो ठीक है बट पेंट कर देते, सबसे इंटरेस्टिंग वही है. बिल्कुल. सो वी नीड टू हैव वेरियस वेज, राइट? सो हाउ कैन वी एक्चुअली प्रिवेंट रस्टिंग? यू पीपल हैव ऑलरेडी टोल्ड मी, तुम लोगों ने पहले ही बता दिया. सबसे पहले द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग कर सकते हैं. ये तुमने जो वर्ड बोला था पेंटिंग, बिल्कुल करेक्ट है. यू वुड एक्चुअली नोटिस दिस इज हैपनिंग एंड प्लस रेगुलरली अप्लाई हो रहे हैं ये कोट्स. रेगुलरली अ कोट ऑफ पेंट एंड ग्रीस इज बींग अप्लाइड, राइट? आई एम श्योर यू ऑल हैव नोटिस दिस, राइट? अब ये कर क्यों रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा मजा आ रहा है पेंट करने में तो चलो पेंट कर लेते हैं. देयर इज अ लॉजिक, देयर इज केमिस्ट्री बिहाइंड दिस. जब हम पेंट करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारा आयरन का आर्टिकल है, जो हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर, मतलब ऑक्सीजन एंड वाटर से कट हो जाता है. ये हमारा आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहां पे हमारा ऑक्सीजन है और वाटर है. एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में मॉइस्चर भी है. तो यार ये डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश करेंगे और हार्म करने की कोशिश करेंगे आयरन को. बट अगर इसके ऊपर यहां पे पेंट हो जाएगा तो अब क्या हुआ, अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहा. दिस वे आयरन का जो रस्टिंग है वो क्या हो जाएगा, वो प्रिवेंट हो सकता है. यस, तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है. सो इन अ वे हम कॉन्टैक्ट खत्म कर रहे हैं आयरन का विद एयर एंड मॉइस्चर. सी अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ क्रोमियम और अ लेयर ऑफ जिंक. अगेन दिस विल प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, दिस विल प्रोटेक्ट आयरन. तो यार यहां पर एक टर्म आया हुआ है नया, दैट इज लेयर ऑफ जिंक. जरा इसकी बात करते हैं, लेयर ऑफ जिंक क्या होता है. बहुत बच्चों ने कहा था मैम गैल्वनाइजेशन कर लेते हैं, कहा था कि मैम गैल्वनाइजेशन कर लो. तो अब गैल्वनाइजेशन होता क्या है, जब आप आयरन के ऊपर एक लेयर ऑफ जिंक डिपॉजिट करा देते हो उससे हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन. इट्स द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन. सो मेन थिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वनाइजेशन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस यार, आयरन पाइप्स जो आप घर पे देखते हो दे आर गैल्वनाइज्ड ओनली. अच्छा, कैन यू फिगर आउट कि जो गैल्वनाइजेशन टर्म है दिस इज नेम्ड आफ्टर विच साइंटिस्ट? रैंडम गेस, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस. आफ्टर विच साइंटिस्ट? कौन, कोई इटालियन साइंटिस्ट है? और आपको एक्चुअली में ना क्वेश्चन में ही आंसर दिख जाएगा, मतलब इनके नेम में ही है. गैल्विन. अच्छा, केल्विन की तरह गैल्विन. न्यूटन, गैलीलियो, गैल्विन, 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 गैल्विन. वेरी क्लोज, एल गैल्वनी. वेरी गुड माही, बट आई लाइक द फैक्ट हाउ यू पीपल जस्ट व्हेन आई सेड कि नेम कहीं ना कहीं यहीं पे छुपा है, तुमने गैल्विन बना दिया. गुड. अच्छा चलो, नाउ दैट आई थिंक यू अंडरस्टूड, यहां तक सब समझ आए तो एक बार फटाफट से हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन एंड गिव मी अ थम्स अप इन द चैट. यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स, देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन. इफ यू अंडरस्टूड यहां तक सब कुछ जो भी पढ़ाया गया, हिट द लाइक बटन एंड गिव मी अ थम्स अप राइट अवे. हम सेशन को लाइक करेंगे एंड हम, अरुण ये कैसा थम्स अप है यार, एंड हम थम्स अप देंगे चैट में. ऑल राइट, ऑल रेडी, ऑल सेट फॉर अ क्वेश्चन? क्वेश्चन बताऊं क्या है नेक्स्ट? ठीक है, ओके. आई एम गोना टेल यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक इन आंसरिंग, फटाफट से आंसर करना. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. तड़ा, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट नेसेसरी फॉर रस्टिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन. एंड लेट्स सी सबसे पहले किसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया. दीपेद इज द फर्स्ट वन, राजू, देन इट इज मुकेश, बिल्वा, आकांक्षा, लक्ष, दीपा, प्रेक्षा, प्रीति, माही, आंशी, मुकेश, सोनू, रौनक. एस टी क्रिएटिव माइंड्स, ऑक्सीजन
यार ऑक्सीजन नहीं यार, ऑक्सीजन तो डेफिनेटली चाहिए. और इफ यू वोटिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट, बिल्कुल सही. हमने बात करी थी कि यार ऑक्सीजन और वाटर तो चाहिए, दे आर नेसेसरी. अब कई बार क्वेश्चन में ऑक्सीजन की जगह हो सकता है एयर लिखाओ, वाटर की जगह हो सकता है मॉइस्चर लिखाओ, बात वही है. एयर में ऑक्सीजन होती है, मॉइस्चर इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. सो दीज टर्म्स कैन ऑल्सो बी यूज. नॉनदलेस द आंसर, द करेक्ट आंसर डेफिनेटली इज वॉट यू पीपल हैव गेस्ट इट राइट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमारी इक्वेशन थी यार रस्टिंग की, तो ये दोनों तो चाहिए राइट. तो क्या नहीं चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ठीक है, वेरी गुड. मैम कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ चाहिए? जब हम बात करेंगे करोजन ऑफ कॉपर की, तब आप नोट करोगे. जब कॉपर मेटल की हम बात करेंगे तब आप नोट करोगे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बट नॉट व्हेन वी टॉक अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन. कॉपर की जब बात करेंगे, करोजन एक टर्म आप पढ़ोगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में. डन मैम. मॉइस्चर मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट्स प्रेजेंट इन द एयर. मैम वन मोर क्विज प्लीज. डन, पक्का एक और क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है, चलो. ऑल राइट, नाउ सिंस वी हैव मास्टर्ड एवरीथिंग अबाउट रस्टिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज क्रिस्टलाइजेशन. अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन की. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है यार? लेट्स सी. पहले तो एक बात बताओ, लिक्विड वाटर से जब हम आइस बनाते हैं, नोट किया कि आइस की क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है वो. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस, मतलब ये तो हर किसी ने नोट किया होगा. यस यू नोटिस, नाइस यार, वो ही है क्रिस्टलाइजेशन. ग्रेड 6 में चैप्टर किया था हमने वाटर, है ना, उसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था. तो बस क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स का बनना किससे? प्योर सब्सटेंस से बनना. कैसे? फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर ये तीनों कीवर्ड्स नहीं है तो 1 mark के आंसर में 0 मिलेगा. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अब इसमें और सल्यूट ऐड नहीं हो सकता. अच्छा बाय द वे, ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? जैसे कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बन रहे हैं यार ये. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. नालिनी सिंह केमिकल, बद लक्ष्य सिंह फिजिकल, वी क्यू सिंह केमिकल, बद्दीप सिंह फिजिकल, प्रीति सिंह फिजिकल 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 फिजिकल, इंदु सिंह केमिकल केमिकल केमिकल. नाउ इट्स अ फिजिकल चेंज. क्यों फिजिकल चेंज है बच्चा? ध्यान से देखो, सल्यूशन जिस सब्सटेंस का होगा उसी के क्रिस्टल्स बनेंगे, कोई नया सब्सटेंस तो आ नहीं रहा. तो कैसा चेंज हुआ ये? दिस इज अ फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम बात कर रहे थे आइस की, तो वॉटर से जब आइस बना, वॉटर का क्या है? H2O है. आइस क्या है? H2O है. सब्सटेंस तो वही है, या फिर कॉपर सल्फेट. अच्छा, हमें शुगर की भी क्रिस्टल्स मिल सकती है, ठीक है, हमें कॉमन सॉल्ट की भी मिल सकती है. कॉमन सॉल्ट क्या होता है? टेबल सॉल्ट आपका, है ना, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं. तो हमें बहुत सारी क्रिस्टल्स हैं जो हमारे आसपास हैं. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सारा. अच्छा अब यहां तक तो समझ आ गया हमें चल क्या रहा है. अब द थिंग इज, ये जो क्रिस्टल्स की बात हम कर रहे हैं, ये बनती कैसे है? हाउ टू फॉर्म दीज क्रिस्टल्स? ये स्नेहा वेरी गुड. स्नेहा कह रही कि मैम ये जो कॉमन सॉल्ट आपने लिखा है, दिस इज NaCl. वेरी गुड स्नेहा. मैम क्विज, अच्छा क्विज का क्वेश्चन देंगे, पक्का देंगे, प्रॉमिस, इसी सेशन में ही दूंगी. पहले पूरा समझ लो क्रिस्टलाइजेशन, फिर उस पर एक क्वेश्चन, ठीक है? जरूरी नहीं क्रिस्टलाइजेशन पे हो, आई मीन देर वुड बी वन क्वेश्चन टूवर्ड्स द एंड. ओके नाउ हाउ एग्जैक्टली वी कैन प्रिपेयर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कम्स एज अ 3 marker. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है
और 3 marker की तरह आता है, तो यार सबसे पहले तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन यार, सबके सब जो काम कर रहे हो, अगर चैट कर रहे हो, कमेंट लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो तो नहीं, अगर इधर उधर देख रहे हो देन आई एम सेइंग जो अनरिक्वायर्ड काम कर रहे हो वो छोड़ के पे अटेंशन, क्योंकि इट विल कम एज अ 3 marker. नाउ हाउ टू प्रिपेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ बीकर. नाउ दिस इज अ बीकर, उसमें ऐड कर दो वॉटर, देन ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो. ठीक है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप, ज्यादा नहीं करना है इसका, अ फ्यू ड्रॉप्स ओनली. अच्छा एक चीज नोट करो, कॉन्स्टेंटली हम इसे स्टर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मिक्स करते जा रहे हैं. ओके, कॉन्स्टेंटली वी आर मिक्सिंग दिस. सो वॉटर लिया, उसमें हमने थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया, उसके बाद हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, वी हैव एडेड कॉपर सल्फेट. वेरी इजी, यहां तक किसी को कोई डाउट? सी आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम, सेट ए या सेट बी किसी ना किसी सेट पर तो आएगा ही. वॉटर, वॉटर में थोड़ा सा एसिड, एसिड में कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट क्यों डाला? क्योंकि हम कॉपर सल्फेट की ही क्रिस्टल्स बना रहे हैं. डन. आफ्टर दिस वॉट विल यू डू, वंस यू हैव डन दिस, अच्छे से आप मिक्स कर रहे हो, देन यू हैव टू हीट द मिक्सचर टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन. नेक्स्ट स्टेप क्या है यार, आपको हीट करना है. जब आप हीट करोगे तो ये बॉयल करना स्टार्ट कर देगा. जब ये बॉयल करेगा आप इसमें थोड़ा सा और कॉपर सल्फेट ऐड कर दो. सो कीप एडिंग कॉपर सल्फेट, इसमें हम कॉपर सल्फेट ऐड करते रहेंगे. कब तक? जब तक एक पॉइंट आ जाए कि फर्दर द पाउडर कैन नॉट बी डिजॉल्व, एक लेवल के बाद वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, उससे पहले आप ऐड करते रहो. यस, यहां तक क्लियर? डिजॉल्विंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेक्ट. सो यू हैव टू कीप एडिंग कॉपर सल्फेट टिल अ पॉइंट कम्स व्हेन नो मोर कॉपर सल्फेट कैन बी डिजॉल्व्ड इन दिस, बट डोंट फॉरगेट टू कीप मिक्सिंग. देखो मिक्सिंग थ्रू आउट चल रही है. ठीक है, अब जब ये स्टेप हो गया, इसके बाद यू हैव टू फिल्टर द सोल्यूशन एंड यू हैव टू लीव इट टू कूल डाउन. आपने फिल्टर कर दिया, देन यू अलाउ इट टू कूल, बट प्लीज नोट, डू नॉट डिस्टर्ब दिस सेटअप. डू नॉट डिस्टर्ब दिस सेटअप ताकि अच्छी क्रिस्टल्स बन जाए. ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल नोटिस, यू विल नोटिस यार क्रिस्टल्स तो आ गई. मैम कहां पर है ये क्वेश्चन? यार ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मिलेगा. यस जोशाइन, डेफिनेटली द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन एंटर, यू कैन ज्वाइन. माही, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, 4 to 5 ड्रॉप्स आर इनफ. यस सोनू, यू कैन सी ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स आर कमिंग, ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स आर कमिंग आउट ऑफ इट, राइट? Take the best, leave the rest. Oh, you tried with alum. Very good, Akanksha. So, I hope this question is clear to you. So, I'm telling you, it will come. And now, as I promised you, that I will give you a quiz question. Dungi, I hope you all are ready. Done? Who is saying handsome crystal? It's really beautiful, huh? माही कॉन्स्टेंटली अगर आप मिक्स नहीं कर रहे, आप एक बात सोचो, आप नॉर्मली शुगर भी अगर वाटर में डालते हो, जब आप मिक्स करते हो तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाता है ना. डन, रेडी? आई कैन सी सम थम्स अप. एक क्वेश्चन देंगे आपको एंड जो सबसे पहले देगा उसको शाउट आउट मिलेगा. डन, करें स्टार्ट? ठीक है, ठीक है. आई होप, देखो मैं बार बार रिमाइंड कर रही हूँ, आई होप अभी तक सबने सेशन को हिट कर दिया है, लाइक बटन को हिट कर दिया है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि यार आप हर बार आओगे सेशन अटेंड करने तो हम बहुत सारा साथ में सीख सकते हैं. सो आई डोंट वांट यू टू मिस एनी ऑफ द सेशंस. फिर पता है क्या होता है, एक सेशन मिस कर देते हैं ना, वो पूरा फ्लो खराब हो जाता है, देन यू डोंट फील लाइक अटेंडिंग द नेक्स्ट वन. सो इफ यू न्यू, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, एंड इफ यू रोल फटाफट से हिट द लाइक बटन. एंड ऑन दिस नोट लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन आई हैव गॉट फॉर यू. कितने अटेंटिव थे तुम क्लास में. Which of the following metals is used in galvanization? Copper, zinc, sodium या फिर gold? Galvanization में
क्या यूज होता है, कौन सा मेटल. एंड राजू इज द फर्स्ट वन टू गिव द करेक्ट आंसर. ओरायन गोस्वामी, लक्ष्य, नालिनी, दीपा, मुकेश, अरुण, सुचिस्मिता, प्रेक्षा बच्चा आंसर गलत है, माही, राजू वेस्टी क्रिएटिव माइंड, तस्लीन, आकांक्षा, बिल्वा, कंप्यूटर नॉलेज, बलराज बच्चा आंसर गलत है, तेजस्विनी आंसर इज रॉन्ग, प्रीति, रौनक, सोनू, करेक्ट 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 करेक्ट. द आंसर इज जिंक. अच्छा मैं एक इजी वे याद बताऊं लर्न करने का, क्योंकि कुछ बच्चे सोडियम, कुछ बच्चे कॉपर भी कह रहे हैं. यार हमारा टर्म क्या है, गैल्वनाइजेशन. वेरी इजी वे, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन. मतलब इतना आसान तरीका, इसका कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा मेटल यूज हो रहा है. गैल्वनाइजेशन, ठीक है. अब कुछ बच्चे ये भी लिख देते हैं, गैल्वनाइजेशन लिख देते हैं ना, एस की जगह जेड लिख देते हैं. गैल्वनाइजेशन को कुछ बच्चे गलती से जेड भी लिख देते हैं, राइट. तो जेड से कौन सा मेटल अपना स्टार्ट है, जिंक है, राइट. तो गैल्वनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज हो रहा है, जिंक. तो जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन थी, अब इसके बाद नहीं होनी चाहिए. नाउ यू शुड नेवर फॉरगेट. डन. अगर वे पसंद आया याद रखने का मेटल, तो यार फटाफट से हिट द लाइक बटन. वेरी गुड. यस करेक्ट. ऑल राइट बिल्कुल यार, हम जिंक की बात कर रहे थे जो गैल्वनाइजेशन में यूज होता है, विच ब्रिंग्स अस टू ऑप्शन बी, दैट इज द करेक्ट आंसर. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, बट वीव गॉट यू कवर्ड लाइक ऑलवेज. यस माही करेक्ट, बिल्कुल सही लिखा है आपने, वेरी गुड आंशी, गलती से याद हो गया, अच्छा नाइस मैम. मेंटी, अरे पक्का कराएंगे मेंटी भी. बाय द वे सम पीपल वर आस्किंग कि मैम ये हमें कहाँ मिलेगा इसका पीडीएफ. तो यार इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, तो भूलना नहीं है, फटाफट से टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, ठीक है. टेलीग्राम पे आ जाओ एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट द पीडीएफ ओवर देयर. सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल. And of course, something very, very important, especially for the ones who have just joined us. Yaar, Parent Club episode 2 is coming back, right? And kab hone wala hai? 10th November ko hone wala hai. So please inform your parents about this. See, there are a lot of concerns that our parents are having, but wo discuss karne ka koi platform nahi hai. कई बार हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होती, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि जो पेरेंट्स के कंसर्न है वो एड्रेस नहीं हो पाते. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा वेबिनार होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी होस्टेड बाय चेतना मैम, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेंड दिस विद योर पेरेंट्स. देखो मैं तो डेफिनेटली अटेंड करने वाली हूँ विद माय पेरेंट्स, एंड आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि यू गाइस शुड ऑल्सो अटेंड दिस. आंशी आज नहीं है, 10th नवंबर को है. सो द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो हेड एंड रजिस्टर फॉर दिस. एंड टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन गाइज, एंड टॉकिंग अबाउट यू पीपल इम्प्रूविंग विद एवरी डे, विद ईच पासिंग डे, देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवर, एंड दैट इज इंग्लिश. बहुत ज़रूरी यार, कोई भी फील्ड उठा लो, कुछ भी कर लो, नॉलेज और कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश जो है, दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे. तो कहीं से तो स्टार्ट करना है. अगर वो फियर आप में है, ऑल द मोर रीजन गेट स्टार्टेड विद दिस. गो हेड फॉर दिस 2 month कॉन्फिडेंट स्पीकर प्रोग्राम एट रुपीज जस्ट 999 प्लस टैक्सेस. ऑफ कोर्स आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि आप ये जाके एनरोल करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप जब बात कर रहे हो किसी से आप कॉन्फिडेंटली बात कर सको, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, जो हम आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाले हैं. एंड नॉट जस्ट वन टीचर, यू गेट 2 teacher एडवांटेज. सो 2 teacher एडवांटेज जब भी होता है ना, द बेनिफिट इज ऑलवेज डबल. प्लस कैम्ब्रिज सर्टिफाइड टीचर्स होंगे, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होगा, यू विल गेट एक्सेस
to Byju's English app also. And all this will make you very confident. So this is the time to unlock your potential. देखो सब में वो हिम्मत भी है, सब में वो potential भी है to polish, to be better at something. It's just that you need to start from somewhere. Yes, correct. So go ahead and enroll for this for your own betterment. All right, with this, we've come to the end of this session. I hope you've hit the like button. I hope you've subscribed. And bell icon to definitely hit kalo. But before I leave, let's give you a homework question that we can discuss in the next class. Yes? Yes, Mahi. Done. Okay, so you have to let me know. And abhi mat likhna hai yahan pe. यहाँ की चैट मिस आउट हो जाएगी, कमेंट्स में लिखना, ठीक है, राइट आफ्टर दिस लाइव सेशन, कि किस कलर की फ्लेम हमें मिलती है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर. मैग्नीशियम रिबन को जब हमने एयर में बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो कौन से कलर का फ्लेम हमें मिलता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन राइट आफ्टर दिस लाइव सेशन. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बाय.